हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को ऑन कीजिएगा ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें रेगुलरली। तो एक न्यूबॉर्न बेबी जो अभी अभी बॉर्न हुआ है उसको एक ऐसी दवा जो देना बहुत जरूरी है, चाहे आपका बच्चा हेल्दी है, चाहे आपका बच्चा अंडरवेट है, चाहे आपका बच्चा बीमार है, चाहे जो भी है, आपको वो देना बहुत ही जरूरी है। तो बेसिकली शायद कई पेरेंट्स को पता हो ये, बट जिनको नहीं पता है और जिनके आगे आने वाले बेबीज हैं घर में, उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो ये बेसिकली एक तरीके से विटामिन का सप्लीमेंट है जो कि है विटामिन डी। विटामिन डी बच्चे को जन्म के पहले दिन से लेके बच्चे को एक साल तक देना बहुत जरूरी है। उसकी 400 इंटरनेशनल यूनिट उसको देना बहुत जरूरी है। वो आपको बॉटल पे लिखा हुआ दिख जाएगा। कई बार 1 ml में 400 IU मिलता है, कई बार 0.5 ml में 400 IU मिलता है। तो आप अकॉर्डिंगली बॉटल पे देख के उस हिसाब से उसको दें। नेक्स्ट बात आ जाती है कि हमें देना है, क्यों दें, किस लिए दें, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जनरली न्यूबॉर्न बेबीज को हम मदर फीड या फॉर्मूला फीड पर रखते हैं जिसमें कि एडिक्वेट अमाउंट में हमको विटामिन डी नहीं मिल पाता जितना बच्चों को चाहिए उसकी अमाउंट। हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है सन एक्सपोजर में जब आते हैं हम, बट बच्चे बहुत छोटे होते हैं इतना सन एक्सपोजर में नहीं जाते, और कई बार विंटर्स में जो बच्चे होते हैं वो भी इतना सन के एक्सपोजर में नहीं रह पाते, तो उनकी बॉडी में विटामिन डी नेचुरल प्रोसेस से नहीं बनता है। इसलिए हमको उनको एक्सटर्नल रिकमेंडेड जो यूनिट है वो बच्चे को एक दिन में देनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या फायदे हैं, अगर हम इसको नहीं देंगे तो क्या इसके नुकसान है। स्पेशली विटामिन डी बोन्स की हेल्थ और बोन्स की स्ट्रेंथ, बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बच्चे को विटामिन डी नहीं देते हैं तो बच्चे की बोन्स कमजोर रह सकती हैं, जो कि आगे चल के बच्चों की बोन्स फ्रैक्चर होने का भी काफी खतरा रहेगा। और जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ेगा और बच्चों की जो लेग्स है, बोन्स है, वो बच्चे के वेट के नीचे दब जाएंगी और कई बार उसकी एबनॉर्मल शेप ऐसे हो जाती है। कई बच्चों की लेग्स आपने देखी होगी इस शेप की रहती है, तो वो बेसिकली विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। विटामिन डी बच्चों की टीदिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर बच्चों में डी की डेफिशिएंसी होगी तो उसका टीदिंग बहुत लेट स्टार्ट होगा और बच्चों में स्किन एलर्जीज भी हो सकती है। बच्चों की इम्यून के लिए भी बहुत जरूरी है विटामिन डी। अगर बच्चे में विटामिन डी नहीं होगा तो बच्चा जो दूध पी रहा है उससे जो उसको कैल्शियम मिलता है वो भी उसकी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। विटामिन डी और कैल्शियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब आपको कराना है तो आपको विटामिन डी की एडिक्वेट अमाउंट लेना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप अपने बच्चे को एक साल तक 400 IU जरूर दें बच्चे को हर दिन में। अगर आपके डॉक्टर ने ये आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो आप ओवर द काउंटर जाके भी ये ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो ये तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक और अनलाइक की वजह से ही हमको पता चल पाता है कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लाती रहूं। थैंक यू, मिलती हूँ इसी तरीके की कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।